गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 17 पढ़ा था, मुहावरे तथा लोकोक्तियां। उसमें हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा था, आज हम लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरों में क्या होता था कि उनका सीधा अर्थ ना निकलकर कुछ विशेष अर्थ निकलता था। लोकोक्ति में भी यही होता है, लेकिन लोकोक्तियां कैसे बनती है, जब कुछ घटनाएं या दुर्घटनाएं हो जाती है तो लोग कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करके कुछ बातें बताते हैं, वो फेमस हो जाती है, तो उसे कहते हैं लोकोक्ति, जो लोगों द्वारा कही हुई उक्तियां। तो आज हम लोकोक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है और यह मुहावरे तो भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, लेकिन लोकोक्तियां भाषा को प्रभावशाली के साथ साथ ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। नंबर 9, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मेहनत अधिक परंतु लाभ कम। मिहिर ने रूही के व्यापार में लाखों रुपए लगाए पर मुनाफा हुआ केवल 10,000 रुपए का। इसे ही तो कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। नंबर 10, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। झगड़े के कारण को ही समाप्त कर देना। मैंने इस प्लॉट को ही बेच दिया जिसकी वजह से तुम दोनों में लड़ाई हुई। अब न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। नंबर 11, आ बैल मुझे मार। विपत्ति को स्वयं बुलाना। तुम स्वयं जाकर उस वकील को चुनौती दे आए। इसे ही तो कहते हैं आ बैल मुझे मार। नंबर 12, छोटा मुंह और बड़ी बात। अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना। तुमने एक दो कविताएं क्या लिख ली, तुम तो स्वयं को कवित्री समझने लगी। यह तो छोटा मुंह और बड़ी बात जैसा हुआ। नंबर 13, रस्सी जल गई बल नहीं गया। शक्ति नष्ट हो जाने पर भी अकड़ बनी रहना। उसका सारा धन चला गया पर अहंकार नहीं गया। इसे कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। नंबर 14, घर का बेदी लंका ढाए। आपस की फूट से नाश होता है। संजय समझ गए कि नरेंद्र ने ही अपना मुंह खोल दिया होगा, तभी आज वे कहीं के नहीं रहे। सच ही है घर का बेदी लंका डाए। नंबर 15, डूबते को तिनके का सहारा। कठिनाई के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत होती है। श्याम इस समय बहुत परेशान है, अगर उसकी मदद हो जाए तो उसके लिए तो अब वह डूबते को तिनके का सहारा के समान होगी। नंबर 16, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी योग्यता का दोष दूसरों को देना। तुम्हें गिटार बजाना तो आता नहीं है और इसे बेकार बता रही हो। यह तो वही बात सुई नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नंबर 17, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही जीत होती है। नीरज रामू का इकलौता बेटा है, धन व सिफारिश भी है उसके पास। वह जो चाहे कर सकता है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 18, जाको राके साया मार सके ना कोई। भगवान जिसका रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा दूसरी मंजिल से गिरा, उसे खरोच तक नहीं आई। सच ही है जाको राके साया मार सके ना कोई। नंबर 19, चोर की दाढ़ी में तिनका। दोषी को अपना दोष प्रकट होने की चिंता रहती है। घर में चोरी की पूछताछ के दौरान शशांक स्वयं ही बोल उठा कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि 10 गहनों की चोरी हुई है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से मिलकर बना है। लोक का मतलब लोग और उक्ति का मतलब लोगों द्वारा कही गई बातें, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, लोक प्रसिद्ध बात या कथन। लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग होता है। अब हमने मुहावरों में पढ़ा था कि मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लोकोक्ति का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। वाक्य में प्रयोग करते समय इसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, ये वाक्य है। लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है, अपितु यह किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है।
मुहावरों में हमने पढ़ा था कि मुहावरे स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि लोकोक्तियां स्वतंत्र होती हैं वो, और ये अपना अलग से इनका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मुहावरों का अलग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मुहावरे व लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरा वाक्यांश है, उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है और उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर किसी घटना विशेष पर किया जाता है। लोकोक्ति में लोक जीवन की किसी विशेष घटना, अनुभव, मान्यता, आस्था आदि की अभिव्यक्ति होती है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां व उनके प्रयोग निम्नलिखित हैं। हम आज कुछ लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। नंबर एक, काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल अनपढ़ होना। यह किताब तुम मनोज को क्यों दिखाने जा रहे हो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। नंबर दो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। बीए में जाते ही निधि के चाल चलन व व्यवहार में परिवर्तन आ गया, सच ही कहा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात संगति का असर जरूर होता है और तो हमें भी अच्छे मित्रों का साथ करना चाहिए। नंबर तीन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाना। गलती तुमने की और अब उसका सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो, यह तो वही बात हुई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर चार, एक अनार सौ बीमार, वस्तुएं कम मांगने वाले अधिक। सरकारी नौकरी में सीटें तो कम होती हैं पर आवेदन पत्र अधिक भरे जाते हैं लाखों में, यह स्थिति तो एक अनार सौ बीमार वाली है। नंबर पांच, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर निकल जाने पर पछताने पर कोई फायदा नहीं। समय पर पढ़ाई नहीं की, अब फेल होने पर रोते क्यों हो, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर छह, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो कमियां भी छिप जाती है। खुशबू पहले तो बिल्कुल नहीं पड़ती थी, अंतिम दिनों में मेहनत करके उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली, अब उसके माता पिता भी सुखी होंगे, चलो अंत भला तो सब भला। नंबर सात, अंधों में काना राजा, अज्ञानी लोगों में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। पूरे गांव में केवल राम प्रसाद ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, जिससे उसका अभिमान भी बढ़ गया है। किसी ने ठीक ही कहा, अंधों में काना राजा। नंबर आठ, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ। मैंने जितने रुपयों में मोटरसाइकिल खरीदी, दो साल चलाकर उसे उतने में ही बेच दी, इसी को कहते हैं आम के आम।